तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे हमारे ब्लॉग में, सबसे पहले तो हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और हम लोग ये देखिए पहुँच गए दुबई एयरपोर्ट पर। और दुबई एयरपोर्ट पे, सॉरी सॉरी, ये दुबई एयरपोर्ट नहीं, ये है अभी लखनऊ एयरपोर्ट। तो लखनऊ एयरपोर्ट पे पहुँच गए हम लोग। और ये देखिए हमारी फ़्लाइट लगी हुई है। बट हमारा टाइमिंग क्या है, 11:40 PM है। तो हम लोग अभी यहाँ पे अपने फ़्लाइट का वेट कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए लाइन लगी है अबू धाबी धाबी जाने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे धीरे धीरे निकल रहे हैं। और ये देखिए टिकट हाथ में है और इंडिगो वाली फ़्लाइट है हमारी। तो हम लोग फ्लाइट तक पहुँचने के लिए जो बस रहता है उसमें हम लोग बैठे हुए थे। और ज़्यादा स्पेस तो नहीं था वहाँ से, तो हम लोग यहाँ पे बैठे, बस एक टर्न लिया। और वो देखिए सामने आपको फ़्लाइट दिख रही है। यहाँ पे हम लोग फ्लाइट में बस उतर के फ्लाइट के पास जाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि आप जब भी अदर कंट्री जाते हैं तो आपको पता ही होगा पासपोर्ट या सारा चीज़ चेक होता है। यहाँ से चेक हो रहा था, तो जैसे जैसे चेक हो रहा था वैसे वैसे लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे। और यहाँ पे मतलब एक घना कोहरा यहाँ पे था, फिर भी मतलब उस डेली के कंपेयर अगर मौसम अच्छा था। तो यहाँ पे हम लोग सब फ्लाइट पे अब टिकट करके सब लोग जा रहे हैं। पापा भी सब लोग आगे आगे पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे जाते हैं हम लोग अपनी टी सीट लेते हैं। वैसे कितना अच्छा लगता है कि आप मतलब जो इतने टाइम का वो टूर होता है वो कुछ ही घंटों में आप जो है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बैठे और सबसे अच्छा था कि पापा को विंडो सीट मिल गया, जो कि सब लोग सोचता रहता है कि नहीं भाई विंडो सीट मिले, क्योंकि मतलब जो नाइट का व्यू था ना वो बहुत ही सुंदर था। तो इसलिए देखने के लिए हम लोगों ने लाइवन टू लिए पापा को। पहले तो सोचे हम बैठे हैं, फिर अब सोचे नहीं पापा को ही बैठाते हैं। तो यहाँ पे ये सब लोग बैठ रहे हैं। और बैठने के बाद फिर वही है कि हम लोगों ने सब लोग बेल्ट के लिए लगाया। और फिर ये देखिए हम लोग जो है अब यहाँ दुबई में लैंड कर गए हैं। एक्चुअली हमने लैंड का वीडियो नहीं बनाया था। ये देखिए हम लोग लैंड कर गए हैं, अब हम लोग पहुँच गए हैं अबू धाबी। यहाँ इतना ज़्यादा सफाई कि देख करके एकदम लग रहा था यार इतनी सफाई लोग कैसे कर लेते हैं। अपने इंडिया में तो इतनी सफाई नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा। और पता है जो वहाँ का गवर्नमेंट, जितना भी वहाँ पे सरकारी वो होता है ना बिल्डिंग्स, तो वो आप एक पहचान हो जाती है कि अच्छा इतना पान का थूक है यहाँ पे, तो ये फिर सरकारी संपत्ति ही है। फिर देखिए आप लोग यहाँ पे धीरे धीरे, इतना बड़ा था दुबई का जो एयरपोर्ट था, वो इतना बड़ा था कि हम लोग मतलब चलते जा रहे थे। कम से कम 6 से 7 हम लोग, 6 से 7 फ्लोर के नीचे आने के बाद तब हम लोग एयरपोर्ट के बाहर गए। और देखिए यहाँ पे और फिर उसके बाद हाँ, हम जब अदर कंट्री से हम आते हैं तो हमें इमिग्रेशन काउंटर पे वहाँ पे भी तो हम लोगों का बहुत सारा मतलब सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं सारा चेक होता है। तो इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ थी। तो ये देखिए आपको बाहर का सीन दिखा रहे हैं। और इतना सफाई, इतना ज़्यादा लाइटिंग कि ऐसा लग रहा है कि ये नाइट का नहीं मॉर्निंग का ये व्यू है। जो कि इस समय हम आपको बताएं कि 3 बज रहे थे, 3:30 बज रहे थे, 3:30 के अराउंड था। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे धीरे धीरे सब लोग पहुँच रहे थे। और ये देखिए ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरा मतलब ऊपर से लेके पूरा नीचे तक ये जो प्लांट्स का जो ये डेकोर था ना, मतलब ये जो सारे ना रियल प्लांट्स हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था हमको। फिर उसके बाद हम बहुत ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाए क्योंकि डर लगता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे अलाउड ना हो और हम बना रहे हों। हम मम्मी एकदम मतलब खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। और यहाँ पे लगेज सब लोग अपना अपने अपने वेट कर रहे थे कि जिसका जैसे जैसे लगेज आता है अपना लगेज ले करके फिर हम लोग यहाँ पे बाहर निकलते हैं। अब हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे थे, फिर वॉशरूम में आते हैं यहाँ के। वहाँ का वॉशरूम वाइब साफ, इतना साफ, इतना साफ वॉशरूम था कि मुझे लगा नहीं एक वीडियो तो यहाँ का भी बनाना चाहिए, तो मैंने बना लिया। फिर यहाँ पे हमारे भाई मिल गया, जो कि जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए, क्योंकि भाई यहीं पे जॉब करता है। तो हम लोग भाई के अब यहाँ पे और देखें, जैसे अपने इंडिया में टैक्सी चलती है ना, यहाँ पे मर्सिडीज, ये मर्सिडीज थी जिसमें हम लोग बैठे। मतलब एक ड्रीम होता है लोगों का, हम लोग यहाँ पे बैठे। और फिर उसके बाद सीधे जो है भाई के फ्लैट पे गया। अब यहाँ से जो है ये है कि गूगल मैप इतना अच्छा होता है, कहीं भी लगाओ भाई अपना एकदम एग्जैक्ट पहुँचाओ। और ये बहुत ज़्यादा दूरी नहीं था, भाई का जो फ्लैट था यहाँ से 2 किलोमीटर की स्पेस पे था। लेकिन इतना रूल यहाँ का टाइट है कि आप इधर उधर से नहीं निकाल सकते, रूल इज़ रूल, मतलब आप एकदम रूल से चलिए।
तो फिर ऐसे ही ये देखिए पूरा नाइट व्यू, और एयरपोर्ट से ऐसा लग रहा था हाँ कि एकदम मॉर्निंग है। अब हम लोग ये धीरे धीरे चलते हैं और अब हम लोग आ गए हैं भाई के फ्लैट पे, भाई के फ्लैट के नीचे थे हम लोग। तो यहाँ पे अब सब लोग अपना अपना लगेज हटा रहे निकाल रहे थे वहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग जो है भाई के फ्लैट पे एंट्री कर जाते हैं कि हम लोग धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। फिर उसके बाद आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं भाई का फ्लैट आ गया। ये देखिए पूरा इंटीरियर आपको अंदर का सीन, ये देखिए भाई का बड़े मुस्कुरा रहे हैं। और भाई साहब रूम आग लगा दिए वन भाई बी एच साहब, के ही है, लेकिन ये कि काफ़ी भाई स्पेशियस है। साहब मम्मी पहले अपना बैठ के एकदम कमर उमर दर्द अपना दूर कर रही हैं। ये देखिए बेड भाई था, साहब फिर बाप रे। और ये सारा जो है भाई को ऑफिस की ही तरफ से मिला है।